हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और एक पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। इसी होप के साथ, इसी थॉट के साथ, इसी अफर्मेशन के साथ हम अपना रीडिंग जो है स्टार्ट करते हैं। आज रीडिंग का टॉपिक है कि आप जो है, आज रीडिंग का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आप अपनी लाइफ में क्या एक ड्रीम जो है आपने देखा है? देखो, मुझे ये चैनल हुआ है, मतलब आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, लाइफ में, और क्या वो पूरा होगा? देखते हैं क्या है, और अगर पूरा होगा तो कैसे पूरा होगा, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो आज थोड़ा अलग सा टॉपिक है, तो देखते हैं। प्लीज डिवाइन, मुझे 3 कार्ड्स दीजिए जिससे मैं सिर्फ एनर्जी पिक करना चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स ने कैसा ड्रीम देखा है जो वो चाहते हैं पूरा हो जाए। ठीक है जी, चलिए प्लीज डिवाइन। देखो, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उस हिसाब से ही लें, अपना दिल दिमाग थोड़ा बड़ा करके देखें। ये नहीं कि एक एक चीज़ कोई खुद पे वो करें एप्लीकेबल या अपोज, मतलब एक तरह से ज़बरदस्ती उसको अपने पे ही फिट करें। नहीं, कई बार कुछ चीज़ें किसी और के लिए भी हो सकती हैं। कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। और ये टाइमलेस होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। टाइमलेस का मतलब ये नहीं कि टाइमलेस का मतलब ये है कि ये जो है कोई टाइम के लिए फिक्स नहीं है कि इस टाइम के आप देखेंगे तभी ये। आप जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है, आप इसको देखेंगे तो आपसे ये रेजोनेट हो सकती है। अगर 100% नहीं होएगी तो 60% हो सकती है, 40% हो सकती है, 80% भी हो सकती है, और 100% भी कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकती है। चलिए, अभी मुझे एक फूल का कार्ड दिखा है जिसपे मेरी नज़र टिकी है, और एम्प्रेस का कार्ड तो मुझे 2 बार दिख चुका है। चलिए अब देखते हैं भगवान जी हमें कौन से 3 कार्ड्स देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मुझे 3 कार्ड दें जिससे मुझे पता लगे कि मेरे व्यूअर्स क्या ड्रीम देखते हैं या क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो पूरा होगा तो कैसे होगा। चलिए, 3 कार्ड तो भगवान जी ने 4 कार्ड दे दिए। लो जी, ओके, इन 2 को भी फिर ले ही लेते हैं जब आए हैं तो। ओके 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 ओके, ये कार्ड रिवर्स आया। आज मैं रिवर्स भी लूंगी, जो रिवर्स जैसे आएंगे कार्ड मैं वैसे ही लूंगी जो मेरी थॉट कह रही है। और आज देखिए सारे ही कार्ड जो है अपराइट आए हैं, कोई भी रिवर्स में नहीं है। फर्स्ट कार्ड मुझे वर्ल्ड का मिला है, सेकेंड कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, एम्प्रेस और 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे मिला है आपकी रीडिंग में कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। तो आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं? देखिए, कुछ लोग यहाँ पे अपनी लव लाइफ को लेके आए हैं, और जो चाहते हैं, जो उनका एक ड्रीम है कि मे बी वो प्यार में है। देखिए यहाँ पे तभी लवर्स का कार्ड है, मतलब वो किसी के प्यार में है और उसी इंसान से वो एक कोलैबोरेशन चाहते हैं। मतलब उससे जो है वो चाहते हैं कि कहीं किसी भी कारण से उसको खो ना दें, ठीक है जी, एक चीज़। और चाहते हैं कि किसी ना किसी वे में वो जुड़े रहें, या तो वो, मतलब उनका जो वर्किंग क्राइटेरिया, कहने का मतलब ये है कि चाहे वो काम के सिलसिले में या किसी ना किसी तरह से वो जुड़े रहें, मतलब अलग ना हो, ठीक है जी, मतलब कोलैबोरेशन। चाहे यहाँ पे थर्ड पार्टी है उनके बीच में, चाहे वो थर्ड पार्टी ना है, तो कई बार ये होता है कि इंसान जो सामने वाला ही आपको एक पॉजिटिव वे में जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कभी उसने शो ही नहीं किया, ना वो चाहता है, कुछ भी कह लो, ठीक है जी, एक चीज़। कुछ लोगों का यहाँ पे ड्रीम है कि ड्रीम कह लो या विश कह लो, उनका विश स्पेशली ये जो है, ये कुछ लोगों के साथ जो है मतलब रेजोनेट होगा। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, जो लेडीज़ हैं वो चाहती हैं, या अगर जेंट्स भी हैं तो वो चाहते हैं कि उनके औलाद हो, तो उनको कंसीव हो सकता है 3 दिन में उनको न्यूज़ सुन सकती है, या 3 हफ्ते में, 3 महीने में। यहाँ पे ये बड़ा स्पेसिफिक है, मे भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काफ़ी मिसकैरेज हुआ है। देखिए ये मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं वही बोल रही हूँ,
और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उनको ये है कि उनका भी कोई एक तरह से कोई औलाद हो, तो ये उनकी विश हो सकती है। ठीक है जी। कुछ लोग यहाँ पे, उन लोगों की विश क्या है कि पहले वो बहुत ज़्यादा मतलब एक, जैसे कह सकते हैं ना, एक संपन्न, मतलब उनको उनको जो है एक पैसे वाला कह सकते हैं, मतलब हाई सोसाइटी कह लो या हाई उसमें, लेकिन अब उनको लगता है कि अब जो है कुछ फाइनेंशियली अप डाउन्स लग रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि एक फ्लक्चुएशन आई हुई है वहाँ पे, या तो उनका पैसा कहीं फंसा हुआ है, या वो कुछ नई जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पैसा, चाहे ये पैसे से जुड़ा ही कोई काम है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो उनका ड्रीम है या उनकी विश है कि ये जो है पैसा अगर वो चाहते हैं तो कहीं से आ जाए और ये काम पूरा हो जाए, लेकिन ये काम जो है किसी के थ्रू होना है। ठीक है, किसी के थ्रू होना है, ये भी चीज़ है, और वो चाहते हैं कि वो जो इंसान है वो मान जाए। देखिए, वर्ल्ड का कार्ड हमें मिला है, और कुछ लोगों की विश है कि वो कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, या उनका एक ख्वाब है कि उनको कहीं बाहर फॉरेन में जाएं, फॉरेन ट्रिप के लिए। यहाँ वर्ल्ड का कार्ड ये भी दिखाता है कि मे बी कुछ लोगों की विश है कि वो जिसको चाहते हैं वही उनसे दूर है, जिनको चाहते हैं पास लाना, चाहे वो उनका लव है, चाहे वो उनका करियर है, चाहे वो उनका पैसा है, वही उनसे दूर है। ठीक है, देखिए ये कार्ड, वर्ल्ड का कार्ड डिस्टेंस को भी दिखाता है। और एक चीज, आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी विश है, वो मुझे पूरी होती नजर आ रही है। कुछ ही मतलब कह लो एक महीना या एक दिन के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर करें तो एक साल के अंदर, जो भी उनकी विश है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक विश है कि उनका जो है एक, मतलब जैसे थोड़ी बड़ी विश ही है, मतलब एक दो प्लॉट हों, घर हों दो, ऐसे इस टाइप से किसी की पर्टिकुलर, किसी की सिग्निफिकेंट है कि वो चाहते हैं कि एक अगर घर है तो दो घर हो जाए, तीन हो जाए, या किसी के पास एक भी घर नहीं है तो वो चाहता है एक घर बन जाए। देखो मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं वही बोलूंगी, उसके अलावा नहीं मैं बोलती कभी भी। देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उस जो आपकी डिजायर है या विश है उसको पूरा करने के लिए आप पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है जी, एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। टेन ऑफ सॉर्ड, देखिए मैंने कहा था ना, मे बी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पहले बहुत ज्यादा पैसे उनके पास था, तो फिर किसी वजह से जो है, या किसी ने बैक स्टैब किया, या कोई धोखा हुआ, या कुछ ऐसा हुआ, या कई बार क्या होता है उनकी हेल्थ ही इतनी सफरिंग, हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से उनको फाइनेंशियली लॉस हो गया। ये भी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। तो वो चाहते हैं कि उनको वो रिकवरी जो है हो जाए, और वो जो इस पेन की सिचुएशन से बाहर निकल आए। ठीक है जी। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है क्वीन ऑफ कप्स का। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका पार्टनर, उनका लव पार्टनर, क्योंकि मैंने बोला कि कुछ लोगों की लव की भी डिजायर है, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड है, उनका जो पार्टनर है अगर वो उनके लिए, उनको पता है कि उनके लिए इमोशंस रखता है, लेकिन छुपा के रखे हुए हैं, कभी जाहिर नहीं करता, कभी उनके मुंह पे नहीं बोलता। देखो ये भी बहुत बड़ी चीज होती है कि कम से कम वो इंसान जिसको आप चाहते हैं वो आपके आगे एडमिट तो करे कि उसके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। तो आप उस चीज का वेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। इनसिक्योरिटी, पैसों का काफी तगड़ा मसला है यहाँ पे, क्योंकि पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपके साइन हो सकते हैं। ठीक है जी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, आप बर्डन लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। कुछ लोग जो एक लाइफ में ना ऐसे बनना चाहते हैं कि लोग उनको, लोगों को दिखा दे कि मैं ये हूं, ठीक है, इस टाइप का उनका ड्रीम है, लेकिन इनसिक्योरिटी बहुत है। आप देखिए ना, अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो कहां से आपके ड्रीम जो है फुलफिल होंगे। ये होती है इनसिक्योरिटी, डरो नहीं, उस पे छोड़ दो, क्योंकि जब इनसिक्योरिटी उसी को होती है जो
एक्चुअल में इनसिक्योरिटी उसी को होती है जिसको भगवान पे विश्वास नहीं है। आपने अगर गीता पूरी ना पढ़ी हो तो गीता का सार तो सबने पढ़ा होगा, पहली लाइन है कि तेरा क्या था जो चला गया, जो लिया तूने यहीं से लिया और यहीं पे छोड़ देना, यहीं पे रह जाना। फिर भी इंसान जो है अपनी इनसिक्योरिटी बनाई रखता है। और देखो जब तक कहते ना, जब तक जीते हैं तो आस है, उसके बाद तो फिर हमें भी नहीं पता हम क्या होंगे, ठीक है जी। तो अगर आपकी सोच है इनसिक्योरिटी की तो ये भी कोई ये नहीं कि अजूबा काम है। हर बंदे को देखो, मैं भी हूं, मैं चाहे आपको कह रही हूं लेकिन मुझे भी कभी कभी इनसिक्योरिटी होती है कई चीजों की। इंसान को लगता है कि जो उसकी प्रिय चीजें हैं, जिनको वो दिल के साथ लगा के रखना चाहता है, कहीं वो उससे छिन ना जाए, चाहे वो उसका पैसा है, चाहे वो उसकी औलाद है, चाहे वो उसका कोई लव वन है, ठीक है जी। चलिए अब ये थी हमारी रीडिंग के आप जो है आपकी क्या सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप क्या चाह रहे हैं, अब है कि क्या होने वाला है, अब हम ये देखने की कोशिश। देखिए बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको अपने इमोशंस शो करेगा, आपको पता लगेगा, आपको उसके जेस्टर से शो होगा। अगर वो डायरेक्ट मुंह पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स, तो क्वीन ऑफ कप्स जो है जाहिर नहीं करती, हो सकता है जाहिर ना करे लेकिन उसके किसी जेस्टर से आपको शो हो के उसके मन में आपके लिए बड़ी भावुकता है, बड़े जज्बात हैं, बड़े इमोशंस हैं, ठीक है जी। एक चीज, अगर यहाँ पे कोई नौकरी या कोई काम धंधे किस लेके अगर कोई देख रहा है, उसकी विश या डिजायर है, तो उनको गुड न्यूज मिल सकती है। गुड न्यूज यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके लिए आ रहा है मैसेज। देखो अब जो प्रेम के लिए देख रहा है उसको अगर वहां से कोई गुड न्यूज आती है, मान लो उनका पार्टनर उनको इमोशन शो कर देता है, तो उनके लिए यही गुड न्यूज है। जो अपनी चाह रहा है कि उसकी फैमिली बढ़े या उसको औलाद हो, तो उसको वहां से कोई गुड न्यूज मिल जाए, अगर वो कुछ कंसीव कर लें तो उनको उनके लिए ये गुड न्यूज है। अगर आप कोई फाइनेंशियली क्राइसिस में है, या फाइनेंशियली जरूरी नहीं होता इंसान क्राइसिस में हो, कई बार उसने इन्वेस्ट करा है और वहां से वो किसी गुड न्यूज की, तो आपके पास गुड न्यूज आ सकती है, ठीक है जी। थर्ड कार्ड मुझे यहाँ हेरोफेंट का मिला है। हेरोफेंट का कार्ड देखो, हेरोफेंट का कार्ड दिखाता है रीति रिवाजों को, रिस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को, एक बाउंड्री को, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब को, शादी को। तो यहाँ पे अगर कुछ लोग शादी के लिए, हो सकता है उनके घर में रिश्ते आ रहे हो, बात नहीं बन रही हो, ठीक है, या किसी तरह से भी, या कुछ लव मैरिज करना चाहते हैं, उनकी लव मैरिज नहीं हो रही है, तो उनके लिए भी ये न्यूज़ है कि जल्दी ही उनको एक न्यूज़ मिलेगी जो गुड न्यूज़ होगी कि उनकी शादी या इससे रिलेटेड कोई भी आपका जो, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, तो वो पूरी होती मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया। देखो एम्परर का कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कुछ लोग जो यहाँ पे हैं अथॉरिटिव हैं। अथॉरिटिव कहने का मतलब क्या है कि उनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर मैं उनको कितना भी कहूं कि आप बर्डन मत लें, लेकिन वो बर्डन लेंगे क्योंकि वो एम्परर की एनर्जी में। एम्परर क्या दिखाता है, एम्परर का कार्ड ही अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कार्ड है जिसके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही, और आसपास के लोग, क्योंकि अथॉरिटिव है, आसपास के लोगों की भी उसके ऊपर जिम्मेवारी है। मतलब कहने का मतलब रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, चाहे वो धर्म की है, चाहे वो अपने समाज की है। तो मे भी हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसके ऊपर बहुत पाबंदियां हैं, जिससे आप चाहते हैं वो आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो इस एनर्जी में है, वो जिम्मेवारियों से लदा पड़ा है, ठीक है जी। और उसके ऊपर जो है उसके धर्म कई पाबंदियां हैं। मे भी हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो किसी अलग धर्म से, सोसाइटी से, समाज से है, ठीक है। तो वो चाहते हुए भी वो इंसान आपको वो चीज नहीं दे सकता जो आप उससे चाहते हैं, ठीक है जी। ये भी स्पेसिफिक मैसेज आज मिल रहे हैं बहुत सारे लोगों से, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ऐसा है कि आप यहाँ पे हो तो क्या ड्रीम देख रहे हो या क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। कुछ लोग यहाँ चाहते हैं, फिर वही वाली बात कि अगर वो प्यार महसूस करता है, अगर वो आपका पार्टनर अगर आपके लिए प्यार महसूस करता है, रिश्ते पे वर्क करना चाहता है,
आपके साथ कोई मैरिज का उसका प्लान है तो वो बोलता क्यों नहीं, वो कम्युनिकेट क्यों नहीं करता? लेकिन वो कम्युनिकेट करेगा। आपको उसका कोई कॉल टेक्स्ट मिल सकता है या आप खुद ही उसको कॉल करके बात कर लेंगे, मतलब आपकी बात हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। अब हमें नेक्स्ट कार्ड मिला है हर्मिट का। हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान जो है, मतलब चीजों को समझते समझते जो है वो बूढ़ा हो गया है, एक्सप्लोर कर रहा है कि ये इतनी उलझी हुई जो एक सिचुएशन है वो उसी के साथ क्यों हो रही है। एक तरफ मतलब लाइफ की जो एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर ऐसा है, अगर किसी ने उसके साथ बैक स्टैप किया है तो उस चीज को वो सोच रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है, ठीक है जी। मे भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ यहाँ चीटिंग हुई है। चीटिंग कहने का मतलब क्या है, चाहे वो बिजनेस में हुई है, चाहे वो उनके लव लाइफ में। देखो मेरा गला कितना बंद हो रहा है ना, तो जरूर ये साइन है कि वो इंसान जिससे आप प्यार करते हैं वो इंसान आपको कह नहीं पा रहा। इमोशंस बहुत रखता है वो, आपसे प्यार बहुत करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, उसका थ्रोट चक्रा जो है ब्लॉक है, मतलब उसमें हिम्मत ही नहीं है चीजों को, अपने दिल की बातों को मुंह तक लाने की, ठीक है जी। एक चीज यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, मेरे व्यूअर्स जो है काफी एंजाइटी, टेंशन और स्लीपलेस नाइट्स में दिख रहे हैं, उन अपने विचारों में बहुत ही ज्यादा परेशान हुए पड़े हैं। तो आप प्लीज इस एनर्जी से पहले बाहर निकलिए, तभी आपके जो ये इतने सारे जो अलग अलग लोगों के ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे, ठीक है जी। अब हमें मिला है यहाँ फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव है ना, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आप देखो, अगर आप पॉजिटिव वे में विनर होना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं विनर हो जाऊं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कार्ड एक गाइडेंस दे रहा है आपको कि अगर आप पॉजिटिव, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी से जेलस होके आप आगे मत बढ़िए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप आगे बढ़िए, समझ गए। ये कार्ड एक गाइडेंस मुझे जो दिख रहा है, देखो कार्ड में मैं उसी तरह से पढ़ूंगी, मतलब कहने का ये कार्ड, देखो ये कार्ड ये भी बताता है मैनिपुलेशन को, किसी को नीचा दिखाने को, झूठ फरेब करने को, मैनिपुलेट करने को, ठीक है, मक्कारी करने को। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि एक इंसान दूसरों को गिरा के बड़ा खुश होता है, ठीक है जी, या दूसरों को नीचा दिखा के बड़ा खुश होता है। तो तभी मैं आपको ये गाइडेंस की तरह मैं इसको आपको बताती हूँ कि कभी भी आप चाहते हो, आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है, आप कभी भी अपने मन में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। ये सोच के मत आगे बढ़िए कि उसके एक घर है तो मेरे चार हो जाए, या उसके चार है बहुत अच्छी बात है, उसके तीन है, उसके चार है, वो उसका नसीब है। मतलब कहने का मतलब किसी से, क्योंकि यहाँ फिजिक्स ऑफ वॉन्ट्स में मुझे मिला है, इनवियस नहीं होना। देखो अगर आप किसी से इनवियस होते हैं तो आप मत होइए, आपसे कोई होता है तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। और ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है कि कुछ लोग ऐसी शख्सियत है उनसे जलने वाले लोग बहुत हैं, उनकी ख्याति, तो आप अपने जो कुछ भी जो आपके सीक्रेट्स होते हैं या आप कुछ न्यू प्लान करते हैं तो सबको ढिंडोरा ना पिटें, ठीक है जी। क्योंकि मुझे यहाँ एनर्जी पिक हो रही है कि आपसे कोई इनवियस होता है, ठीक है, कोई आपको स्टॉक करता है, ये वही इंसान होता हो सकता है जिससे आपका झगड़ा हुआ है, अब वो चाहता है कि फिर आपसे एक दोस्ती या कुछ फिर से दोबारा से कायम कर ले, इस रिश्ते को अच्छा कर ले, ठीक है जी। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है जो मुझे दिख रहा है, मैं बोलती जाऊंगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देखिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपको ना हमेशा ये चीज लगती है, जैसे या तो आपको फैमिली में ऐसा लगता है कि उसके साथ तो ज्यादा अच्छा होता है, मेरे साथ नहीं, तो वही वाली बात होगी ना कि किसी को किसी से कंपेयर करके आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, वो जैसा है ठीक है। आप अपना जो है अपने मालिक से प्रार्थना कीजिए, अपने भगवान, अपने अल्लाह, अपने जीसस, अपनी दुआएं मांगिए, अपनी प्रार्थनाएं कीजिए, अपनी प्रेयर्स कीजिए कि उस मालिक से, ऊपर वाले से, जिसको आप किसी भी नाम से पुकारो, अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, जीसस बोलो, वो आपकी पुकार सुन लेगा। कहते ना एक बच्चा है, तोतला है, बोल भी नहीं सकता, दुनिया उसकी बात नहीं सुन सकती लेकिन उसकी माँ उसकी बात सुन लेती है। कहते ना गूंगे की भाषा उसकी माँ ही जान सकती है, तो ऐसे ही परमात्मा वो ऊपर जो बैठा है ना पालनहार, जो हम सबको पाल रहा है लेकिन हमें कभी नहीं कहता कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तो उसका विश्वास सबसे बड़ा विश्वास है।
अगर उस पे आपको विश्वास है तो वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, हमेशा आपको विनर ही रखेगा। उस पे विश्वास को मत छोड़िए अपने तरीके से, जिस भी धर्म को, जिस भी उसको मानते हैं, क्योंकि मजहब अच्छा होना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है। और अगर हम जिसको भी सुप्रीम पावर को मानते हैं उसको मानिए, उसको प्रार्थनाएं कीजिए, अपने लिए भी कीजिए, औरों के लिए भी कीजिए। जैसे बड़े बड़े संत कह के गए हैं कि जो जो मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम इसलिए नहीं ले रही जबकि मुझे पता है, पर मैं ले नहीं रही क्योंकि यहाँ पे हो जाता है नहीं, अल्लाह जी हैं हमारे, हमारे भगवान जी हैं। मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आता है, भैया तुम देखो तो सही, तुम या तो टैरो रीडिंग ही मत देखो जब तुम्हारे इतने नैरो विचार है। जब तुम कहते हो कि मेरा अल्लाह मेरा भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा अल्लाह अच्छा है, वैसे तो मैं खुद हिंदू हूँ, अगर मेरा भगवान अच्छा है तो किसी का भगवान कैसे बुरा हो सकता है? भगवान तो भगवान है। कहते ना माँ को चाहे बच्चा माँ मम्मा कुछ भी ना बोले वो तब भी समझ लेता है, ठीक है जी। तो प्लीज ऐसी जो बातें हैं मेरे चैनल पे मत किया कीजिए, क्योंकि मैं हर धर्म, मेरे सामने मस्जिद आती है मैं तब भी सिर झुकाती हूँ, मेरे आगे मंदिर आता है तब भी मैं सिर झुकाती हूँ, मेरे आगे गुरुद्वारा आता है तब भी मैं सिर झुकाती हूँ। क्यों झुकाती हूँ? क्योंकि वहां मेरे अलावा बहुत सिर झुकते हैं। कहते ना भगवान किसी ने नहीं देखा, भगवान है हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास। तो अपना विश्वास जो है कायम रखिए उस परमात्मा पे, उस सुप्रीम पावर पे। जो भी आपने डिजायर की है वो जरूर 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 पूरी करेगा वो ऊपर वाला, ये विश्वास रखिए, ठीक है जी। इसी के साथ हम अपनी रीडिंग को खत्म करते हैं। और एक चीज देखो, ये कार्ड होता है चीजों को ठीक करने का भी होता है, ये गार्ड अप करने का भी होता है, ये बहुत चीजों का कार्ड होता है, ये पैशन का भी कार्ड होता है, अग्रेशन का भी कार्ड है। एक कार्ड बहुत सी चीजें बताता है, एक ये कार्ड ये भी बताता है कि ये इंसान जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर है। ब्लू कलर मतलब एक सी का कलर, एक इमोशंस का कलर, कि ये सेंटीमेंट्स इसके बहुत हैं, चीजों को ठीक करना चाहता है, पैशनेट है, इसी इस वो कर्म वो हो नहीं पाता तो ये एग्रेशन में आ जाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप किसी भी स्थिति में है वहां पे घबराइए नहीं, अपना ट्रस्ट नहीं छोड़ो कि मैंने इतना किया मुझे नहीं मिला, मैंने इतना भगवान को याद किया मुझे भगवान ने नहीं, वो आपका कर्मा है जो आप फेस कर रहे हैं, कर लीजिए कोई बात नहीं। अब नहीं करेंगे तो फिर कई करने पड़ेंगे, कर लो, लेकिन भगवान से इतना कहो, इतनी प्रेयर करो, इतना प्रार्थना करो, इतना जो है दुआएं मांगो कि हमारा जो विश्वास है, भगवान इतना भी दुख मत दे देना कि हमारा जो विश्वास ही डगमगा जाए, ठीक है जी, हमारा ट्रस्ट ना टूटे आप पे। तो ये आप प्रेयर है, आपका भगवान है, आपके अल्लाह हैं, आपके जीसस हैं, आप उनसे जैसे कहेंगे ना वो वैसे ही मान जाते हैं। हम दुनिया को मनाने में लगे हैं, उसको पैम्पर कर रहे हैं, उसकी चमचागिरी कर रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, वो मान जाए, अरे उसी को मना लो ना ऊपर वाले को, सब मान जाएंगे, सब उसके अधीन है। नफरत किसी से ना करो, बस एक चीज, अपने दुश्मन से भी नफरत करनी बंद कर दो। जिस दिन आप अपने दुश्मन से भी नफरत करनी बंद कर देंगे ना, उस दिन आप भगवान को अपने सामने साक्षात खड़ा पाएंगे, वो आपके हुक्म। लेकिन आप उस वो स्टेज पता कैसी होगी, उस स्टेज पे आके आपको कुछ मांगने का ही भगवान से दिल नहीं करेगा, भगवान आपके सामने खड़ा है, लेकिन आपकी वो स्टेज इतनी अच्छी होगी कि आप कहोगे नहीं मैं बैगर थोड़ी ना हूं, मैं तो आपका बच्चा हूं, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, वो स्टेज होगी आप। ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे बनिए। ये कहते ना खुद ही को कर बुलंद इतना के परमात्मा ईश्वर खुदा आपसे, मैं सबका नाम इसीलिए ले लेती हूँ कोई भी नाराज ना होए, ते सबको कहते ना खुद ही को कर बुलंद इतना के ऊपर वाला खुदा खुद तुझसे पूछे के बता तेरी रजा क्या है, कि बता तू क्या चाहता है। उस टाइम चाह ही खत्म हो जानी है, जब वो पर कहते ना वो कभी सामने नहीं आता, कहते ना शुक एक एक वो है क्या है उसको क्या बोलते हैं शेर, कहता शुक्र है खुदा तू पर्दा नशी है, नहीं तो आज बाजार में जार जार होता, कि आज तू तेरी भी बोली लग रही होती और तेरे को भी वहां बेचा जा रहा होता, कि शुक्र है तू पर्दा नशी है, तूने आज तक अपना रूप किसी आसानी से नहीं दिखाया तूने, और जिसको दिखाया वो तेरा ही हो गया, उसको फिर और किसी चीज की सुध ही नहीं रही। तो तभी मैं कह रही हूँ कि आप उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते आपको डिजायर्स ही खत्म हो जाएंगी, आपके सामने भगवान खड़ा होगा,
आप बोल ही नहीं सकोगे कि मुझे ये चाहिए। तो जो है उसमें खुश रहें और हमेशा यही कहे कि भगवान मुझे इतनी तौफीक दे दो कि मैं, मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उसमें खुश रहूं। ठीक है, अब आप कई लोग बीच में बोलेंगे ये जो टैरो रीडर है ना लेक्चर बहुत देती है, और कई कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर लोग वही हैं जो मेरी तारीफ करते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, तारीफ भी करिए। जो बुरा लगे, अगर ज़्यादा एक शिक्षा लगे तो वो भी मेरे को बोल सकते हैं कि मैडम आप जो है थोड़ी कम शिक्षा दिया करें, क्योंकि ये चैनल भी आपका है और मैं भी यहाँ जो भी 20 मिनट 40 मिनट 30 मिनट की रीडिंग लेके आती हूँ वो अपने व्यूवर्स के लिए लेके आती हूँ, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत कुछ मिलता है। ठीक है ना, कहाँ मेरी फैमिली मेरे लिए प्रेयर करती थी, कहाँ अब पूरी यूट्यूब फैमिली जितने भी मेरे बन गए 21,000 सब्सक्राइबर 20,000 होने लगे हैं, तो दोनों चैनल पे मिला के टैरो कार्ड गाइडेंस विद उपासना, टैरो गाइडेंस विद उपासना, दो चैनल है मेरे, तो दोनों पे ही मिला के मेरे 20,000 जो है सब्सक्राइबर होने लगे हैं। अब तो व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं आप लोगों के, तो मैं कहूँगी मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप मुझे देखते हैं, आप मुझे सुनते हैं और मेरा इस्तकबाल करते हैं और मेरे लिए प्रेयर्स करते हैं, शायद मैं इसीलिए ज़िंदा हूँ। ठीक है, ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।